गुड आफ्टरनून जैसे प्रियंका आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। हाँ जी नमस्कार नमस्कार जी। मैम, एक काफी दिनों से बताइए। जो ये जियो की सिम है इसमें नेट बिल्कुल ही स्लो है, 2G स्पीड भी नहीं है और 5G का चार्ज ले रहे हैं, 4G का चार्ज ले रहे हैं, 3G का भी चार्ज ले रहे हैं। आपका नाम? मनजीत सिंह है। मनजीत जी लाइन पे रहिएगा, मैं चेक करूंगी क्या इशू आ रहा है आपको। हाँ चेक करो, स्लो चल रहा है अभी? स्लो चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है स्लो, जमा यूट्यूब वीडियो भी नहीं चल रही है। सर जहाँ से कॉल कर रहे हैं सेम लोकेशन पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, यही लोकेशन है, सेम लोकेशन। हेलो लाइन पे रही। हेलो बताना चाहूंगी आपको, कुछ समय के लिए कम इंटरनेट स्पीड की समस्या का अनुभव हो सकता है क्योंकि ये जो समस्या है आपकी साइड से बहुत ज्यादा लोगों की इच्छा भी जाने के कारण चल रही है। किस कारण चल रही है? केवल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आज केवल कुछ दिनों तक रहेगी। अच्छा ये सुनो मेरी बात है, ये कब से हुई है ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम? ये तो सर अभी हमारे पास को डेटा नहीं बताया जा रहा। डेटा नहीं बताया जा रहा? अभी आपकी कॉल आई है तो जो प्रॉब्लम चल रही है मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। नहीं आगे कब तक रहेगी फिर ये? अभी तो सर कुछ दिनों के लिए बताया जा रहा है कि रहेगी, उसके बाद ठीक होगा। ये कैसे सोल्व होगी और ये कैसे होती है ये बताओ पहले। कनेक्टिविटी नहीं समझ पा रहे हैं आप? नहीं नहीं समझ पा रहे हमें तो, मैं तो अनपढ़ हूं। हां जी तो कनेक्टिविटी होती है, एक साथ जुड़ जाने के कारण प्रॉब्लम जा रही है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हेलो, नेटवर्क टीम काम करते हैं इसके ऊपर, ऑलरेडी बताया जा रहा है कुछ दिन तक ये रहेगा, उसके बाद ये ठीक किया जाएगा। ये कुछ टावर की प्रॉब्लम है या वैसे ही चले आई है? सर जो भी प्रॉब्लम है नेटवर्क टीम चेक करेंगे अपने आप। फिर ये नेटवर्क टीम को भेजो ना, क्या कर रही नेटवर्क टीम है? ऑलरेडी उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कुछ दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? दो टावर लग रहे हैं, एक भी वर्क नहीं कर रहा ये। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? हेल्प के लिए मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था कि चेक करके रेजोल्यूशन दिया जाए। नहीं आपके सीनियर के पास मेरा कॉल ट्रांसफर कर दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। काफी कंप्लेंट भी करा चुका हूँ इसकी मैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम क्या होती है? कनेक्टिविटी 5G की चार्ज दे रहे हैं, 4G का चार्ज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप 2G तक नहीं नेट दे रहे हैं, क्या स्पीड है इसकी फिर? समझ रहे हो या मेरी बात नहीं समझ रहे आप? सर समझ रहे हैं तभी आपको रिस्पांस दिया जा रहा है। क्या रिस्पांस दिया जा रहा है? रिस्पांस ही तो नहीं मिल रहा। कितनी बार कॉल कर चुका हूं मैं, अगर आपकी नहीं चलती है आपके सीनियर के पास मेरा कॉल ट्रांसफर करो, उनसे मैं बात करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? वैसे बोलती बंद हो गई आपकी। हेलो 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 टाइम पर ये कॉल ट्रांसफर की जा रही है। हाँ कॉल ट्रांसफर करो, जल्दी करो। हेलो रुचिका से बात हो रही है, आपकी कॉल ट्रांसफर हो चुकी है, होल्ड पर रहने के लिए शुक्रिया। हाँ जी मैम, आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मनजीत सिंह जी। मनजीत सिंह नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मनजीत सिंह मेरे एडवाइजर बता रहे थे आपको इस नंबर से स्रोत का इशू आ रहा है, तो मनजीत जी यही कंसर्न आपका? मैम ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम चल रही है काफी दिन से, पकड़िए एक मिनट, और काफी कंप्लेंट भी करा चुका हूँ। गांव में दो टावर है लेकिन फिर भी ये समस्या है, क्यों समस्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माफी चाहते हैं, सुविधा के लिए हम समझ सकते हैं, हमारे द्वारा पूरी हेल्प की जाएगी आपकी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ समय ले लो, समय ले लो, 5-7 मिनट ले लो जी, हम चेक कर लेते हैं। अभी जब आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आपकी मंजीत जी स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है बता सकते हैं?
सिम पर तो ये 4G लिखे आता है LTE, लेकिन ये चार्ज 4G का लेते हैं और 2G तक नहीं चल रहे, इसमें कोई वीडियो नहीं चल रही, कहीं से कोई मैसेज करे वो नहीं जा रहा। क्या कनेक्शन है फिर, ये क्या सिम है जी? अभी इंटरनेट चला के बताएंगे, यूट्यूब पे क्या लिखा रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे तो चलता है लेकिन वो वीडियो ही नहीं चल पा रही है, चक्कर है वो, सर्कल है वो, घूमता रहता है जी। मंजीत जी, जहाँ से बात कर रहे हो आप, सेम लोकेशन से इशू आ रहा है? हाँ सेम लोकेशन पर है, बाहर भी सभी जगह है लेकिन सेम लोकेशन पर रहता हूँ वहीं ज्यादा प्रॉब्लम है जी। मैं एक बार मंजीत जी लोकेशन का आपका डिटेल क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ चेक करो, लोकेशन उठाओ, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे जियो की तरफ से जियो के कस्टमर को प्रॉपर्ली ना मिले, हम भी यही चाहेंगे ताकि आप लॉन्ग टाइम तक जियो के साथ कंटिन्यू कर पाए। ऐसे तो नहीं कंटिन्यू रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो बेशक हम भी आपकी तरह इसी प्रकार कॉल करते, क्योंकि अगर हम रिचार्ज करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट से मिलने चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ करो, चेक करो जल्दी। आपको बताना चाहेंगे मंजीत जी, जैसा कि हमने आपके अकाउंट का डिटेल एक क्रॉस चेक किया है, उसके अकॉर्डिंगली जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है आपको कुछ समय के लिए आपके जियो नंबर पे कम इंटरनेट स्पीड का अनुभव हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मुझे एक एक मिनट सुनो, सुनो मेरी बात है, मुझे दो सवालों के जवाब दो। ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा ये बताओ बस जी। हम वही बताना चाहेंगे, इशू आपकी साइट से मल्टीपल लोग एक टाइम पे कनेक्ट हो जाने की वजह से इशू फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इशू केवल कुछ ही दिनों तक रहेगा मंजीत जी। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए ऑलरेडी वर्किंग में है, इस आपको हो रही सुविधा के लिए हमें खेल है। हमें प्लीज आप एक मौका दीजिए ताकि हम सर्विस इम्प्रूव कर पाएं, बाकी आप हम भी नहीं चाहेंगे आपको इशू आए, हम भी यही चाहते हैं बेस्ट सर्विस में ताकि हम लॉन्ग टाइम तक जियो के साथ कंटिन्यू कर पाएं। चलो एक मिनट सुनो मेरी बात, आपको मौका दे दिया लेकिन इसी नंबर से मेरे कंप्लेंट चेक करो कितनी कंप्लेंट आ रही है, दूसरे नंबर से मेरे गांव से कितनी कंप्लेंट आ रही है। 4G का चार्ज देते हैं और 2G की स्पीड नहीं मिल रही, तो एक बार कंप्लेंट तो चेक करो। आप कह रहे एक मौका दो, एक मौका तो पहली बार होता है और मैंने तो कितनी बार कंप्लेंट करा ली, समस्या ये 2-4 दिन से नहीं, कई लगभग कई महीनों से है, काफी दिन और आगे बोल रहे आप चलेगा लेकिन ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। आपको भी नहीं पता है इस बात का कि आपको इशू आ रहा है, इसीलिए आपने केयर में कॉल किया है। इनफैक्ट हम भी यहाँ की हेल्प के लिए हैं, हम भी नहीं चाहेंगे जी जियो की सर्विस जियो के कस्टमर को प्रॉपरली ना मिले, हम भी यही चाहते हैं बेस्ट सर्विस थी ताकि आप लॉन्ग टाइम तक जियो के साथ कंटिन्यू कर पाएं। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कृपया हमें एक मौका दीजिए सर्विस इम्प्रूव करने का, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुनो मेरी बात, एक मौका मिल चुका है किसान आंदोलन का और उसी का झटका जियो को बहुत ज्यादा लग चुका है, ठीक है, और दूसरा एक और मौका दे दिया तो ये जियो ठप है, बंद है, क्योंकि जियो नहीं चलने वाला आगे। देश को लूटने पर लगा है ये अंबानी, देश को लूटने पर लगा है, और आप तो चलो हमारे जैसे हैं, नौकर हैं आप तो अपनी जॉब कर रहे हो, लेकिन ये देश को लूटने पर लगा, आप भी छोड़ दो ये जॉब, क्यों किसी की गाली खाते हो? देखिए मैं समझ पा रही हूँ सर आपको इशू आ रहा है, इसीलिए आप क्योंकि ये देश के खिलाफ ही हो गया, ये अरबपति हो गया, करोड़ोंपति हो गया, तो इसने देश को लूट कर खाया है तो क्या भला बनेगा ये जी। हमें प्लीज आप एक मौका दीजिए सर्विस इंप्रूव करने का। नहीं आपके तो हाथ में ही नहीं है, आपको क्या मौका दें, आपके तो हाथ में होता तो आप तुरंत कर देते, आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे कई मैम है जो आपके जो सीनियर है उनसे ही बात कर चुका हूँ, कई ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ, यही बात बोल रहे थे एक मौका दो, लेकिन मौके तो कई हो चुके हैं। मैं तो यही चाहता हूँ ये सिम बंद हो जाए, क्योंकि ऐसी देशद्रोही सिम से तो अच्छा है कि कोई और सिम यूज करे हम, देश को लूटने पर लगा है, फ्री में दिया फिर 199 का, 399 का, अब 599 का, आगे 1000 के आसपास रहेगा, कैसे देश को बेवकूफ बना रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम आपसे निवेदन करेंगे जी, कॉल के दौरान आपको मुझे एक सर्वे आएगा जिसमें 1 से 5 तक रेटिंग है, 1 सबसे कम है। नहीं नहीं क्यों दूं मैं रेटिंग, आपका फीडबैक मुझे बेहतर सेवा देने में मदद करेगा। नहीं नहीं क्यों दूं मैं रेटिंग, मैं आपका नौकर ही नहीं हूँ, आपके अंबानी का नौकर नहीं हूँ, क्यों रेटिंग दूँ मैं? आशा करेंगे आपको जैसा भी लगो आप जरूर शेयर करेंगे। बाकी कॉल करने के लिए मंजीत जी धन्यवाद।
चलो ठीक। थैंक यू सो मच।